कॉन्टीजेंसी टेबल्स। कॉन्टीजेंसी टेबल एक ऐसी टेबल को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं। अब हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या ऐसी खसूसियात होती हैं, ठीक है, कि जिनको कि हम न्यूमेरिकली मैयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्रेजेंस है इनको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कलर की बात करता हूँ, ठीक है, या मैं ब्यूटी की बात करता हूँ, ठीक है, या इसके अलावा मैं लिटरेट या इलिटरेट की बात करता हूँ या पुअर और रिच की बात करता हूँ, तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारी मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपसे अभी शेयर करना चाह रहा हूँ जिसमें कि हम कॉन्टीजेंसी टेबल्स को जो है वो समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इस टेबल में शो हो रहे हैं, एक एजुकेशन और एक हेयर कलर, ठीक है। यानी एजुकेशन में हाई स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब इसकी हमने क्लासेस बना दी हैं एक एट्रीब्यूट की, ठीक है। इस तरह इस एट्रीब्यूट की भी हमने दो क्लासेस बना दी हैं, हेयर कलर्स की यानी रेड और जो नेक्स्ट कलर है यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, या जैसे आप देख सकते हैं ब्रूनेट्स। तो अब देखें ये हमारे पास ये इनके टोटल्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का हमारे पास कॉन्टीजेंसी टेबल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और टाइप देखें कॉन्टीजेंसी टेबल की जिसमें एक एट्रीब्यूट हमारे पास हैंड प्रेफरेंस है और दूसरा जेंडर है, यानी हैंड हैंड प्रेफरेंस में लेफ्ट भी हो सकते हैं और राइट भी हो सकती है, ठीक है, प्रेफरेंस, और जेंडर में मेल और फीमेल है। तो इस तरीके से उनकी तादाद जो भी हमने सर्वे लिया है, सैंपल लिया, उसके हिसाब से यहाँ पर इस टेबल के अंदर मौजूद है। तो ये इस तरह के जो टेबल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन से टेबल्स हैं जी, ये कॉन्टीजेंसी टेबल्स हैं।